Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. So in this video, we are going to analyze the answer copies of Utkarsh Dwivedi sir. He is the PSIR topper of the year 2021. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उनका score 314 रहा था PSIR में. Now it is very very important to analyze his test copies. Why so? क्योंकि इन test, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पूरी series का aim ये है कि हम confidence building पे ध्यान दें. Because content आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके पास नहीं है, which is not true. आपको इन test copies को पढ़कर खुद ऐसा लगेगा कि कितना सिंपल है ये, तो हम भी लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ बहुत स्पेशल है ही नहीं. और ये सब कुछ जो यहाँ लिखा है वो आपको आता है. अगर आपको ऑप्शनल PSIR है, आपको बेसिक नॉलेज है, आपको पता है रियलिज्म क्या होता है, एक दो उसके ऑथर्स पता है, यू वुड योर सेल्फ रियलाइज कि आप भी आंसर लिख सकते हैं. और आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ये 30 दिसंबर 2021 को लिखा गया है ये पेपर, which is only 10 to 15 days before the exam, जो 2021 के exams हुए थे वो जनवरी में हुए थे, तो थोड़े ही समय पहले. और ये टेस्ट नंबर 3 है, इसके बाद इनके हम और टेस्ट देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जस्ट 7 दिन पहले जो उन्होंने टेस्ट लिखा है वो किस तरह से लिखा है, वो भी बहुत ही सिंपल है. तो हमारा एम, अगेन आई रिटरेट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है. कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, क्या फ्लो ऑफ आंसर राइटिंग होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशंस लिखी हुई मिलेंगी आपको, तो वी वुड डू दैट. ऑल्सो हम इसको 4 पार्ट्स में कवर करेंगे. आज जो हम देखने वाले हैं ये टेस्ट कॉपी पेपर 2A उसकी है, यानी कि हम इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 2 का वो देखेंगे. इसके बाद हम पेपर 2B देखेंगे कल, और फिर हम पेपर 1 कवर करेंगे 2 पार्ट्स में. तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, यू विल एक्चुअली लर्न अ लॉट. जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, दैट मेंस इज अ लॉट अबाउट द माइंड गेम. अगर आपके माइंड को ये पता चल गया कि कंटेंट आपके पास है, बेसिक चीज़ें ही आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा रन नहीं करना इधर उधर की चीज़ों के पीछे. रीड द न्यूज़पेपर्स, ऑफ कोर्स PSIR ऑप्शनल है, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स, बी अवेयर, जनरली अवेयर, नो सर्टन टर्म्स हेयर एंड देयर जो चल रही हैं न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा उसमें भी कोई डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है. तो हम कुछ क्वेश्चंस 10 मार्कर्स देखेंगे, फिर उसके बाद 20 मार्कर क्वेश्चन भी देखेंगे, और कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम 15 मार्कर्स देखेंगे. सो दिस इज हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट. ओके, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तो ये क्वेश्चन है, ठीक है. अब इसमें हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं. सबसे पहला कीवर्ड क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ओके, फिर उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच. और उसके बाद हमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के ऑफ कोर्स इसे डिस्कस करना है कि है क्या, लेकिन बताना है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है. तो 3 चीजें हमें यहाँ पे एड्रेस करनी है. तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको कल रेकमेंड किया था कि आप उमा हारती मैम की प्लीज टॉपर टॉक जाके देखिए सिविल्स डेली में, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, और उत्कर्ष द्विवेदी सर ने भी अपने टॉपर स्टॉक में यही बताया है कि अगर तो आप मेंस में सेल थ्रू करना चाहते हैं, अगर यू रियली वांट कि आपका पेपर कंप्लीट हो, ऑन टाइम कंप्लीट हो, यू स्कोर वेल, तो इट इज़ गुड दैट यू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शंस बिफोर हैंड. इनफैक्ट इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स दोनों ही, एंड इट इज़ वेरी इजी. आपको लगेगा क्वेश्चन तो बहुत एनालिटिकल आते हैं, क्या बकवास बात है ये, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता PSIR जैसे ऑप्शन में होता होगा एंथ्रोपोलॉजी में एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको खुद पता चलेगा जब आप अपना सिलेबस उठाकर साथ साथ में अपना कंटेंट पढ़ते हैं. तो उसमें एक टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन से ही शुरू किया गया है आंसर. आई अगेन रिपीट, अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन है, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तो इसमें पहले डेफिनेशन लिखी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट कंपेयर्स कॉन्स्टिट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ स्टेट्स. अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने कुछ बहुत फैंसी कोट से यहाँ पे कोशिश नहीं है कि जार्गन्स डाल दें कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, किसी ने वर्बैटिम डिफाइन किया होगा किसी ऑथर ने, स्कॉलर ने, तो हम वो लिखने की कोशिश करेंगे. बहुत सिंपल है, किसी को अगर PSIR किसी को ऑप्शनल नहीं है ना, वो भी बता सकता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या होगा. डिफरेंट डिफरेंट देशों के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करते होंगे, वही यहाँ लिखा है, ठीक है. तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल लाइन लिखी है दैट इट इज एन ऑफशूट ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस लेड बाय डेविड ईस्टन. वेल, ऑफकोर्स इनको इस पर भी मार्क्स मिले होंगे, लेकिन
मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कम्प्लीटली ट्रू नहीं भी हो, आपके पास कंटेंट है, वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक तो ट्रेडिशनल थी और एक मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें बिहेवियरल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है, ना कि ट्रेडिशनल में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ होल तो डेफिनेटली ऑफशूट नहीं है बिहेवियरल रेवोल्यूशन की, बट इट डज। आपको डेविड ईस्टन याद है, आपको पता है कि मेजरली जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो बिहेवियरल रेवोल्यूशन से आई है। यू राइट अबाउट इट, इट्स ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, पहले कीवर्ड को एड्रेस कर दिया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी यहाँ पे किसी का अगर PSIR नहीं भी है ऑप्शनल तो वो भी बता सकता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है क्या। इसमें दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल एक सोशियोलॉजी, तो इसमें कुछ पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी का कुछ मिक्स करवा दो, दोनों का कुछ इंटरजंक्शन पे जो भी स्टडी एग्जिस्ट करती है उसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे लिखा है। तो पहले क्या किया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन जो हमने यहाँ देखी, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, और कुछ भी नहीं, डेफिनेशन, और वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच डील्स विद द इंटरफेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, दैट इज इट। ओके, लेकिन इन्होंने आगे रेफर कर दिया। अब एक और यहाँ पे मिथ ब्रेक होता है कि जो कोट है वो जरूरी नहीं है कि बॉडी में नहीं लिखा जा सकता, बॉडी में कोट लिखा जा सकता है। ये कोट है, बहुत एक लाइन का कोट है, और आपको अगर कोट्स छापने हैं अपने पेपर में ना, तो कोट्स एक दो लाइन वाले ही याद करना, बड़े बड़े कोट्स याद नहीं होते। तो ये क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच डील्स विद द इंटरफेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, SM लिप्सेट ने कहा है अपने पॉलिटिकल मैन में, दिस इज हिज वर्क, डन, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अब हमें थोड़ा तो बताना पड़ेगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में है क्या। तो ये क्या है, एक ऐसी अप्रोच है विच इज एज ओल्ड एज पॉलिटिकल फिलॉसफी इटसेल्फ, जिसके ओरिजिन कहाँ जाते हैं, एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस तक, जिसमें उन्होंने क्या एनालाइज किया था, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज किया था संसार के, ठीक है। फिर उन्होंने आगे बता दिया कि सिंस कार्ल मार्क्स सेड जो बेस है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर को, तो मार्क्सिज्म जो है इट फॉर्म्स द हेजेमोनिक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो ये इन्होंने बेसिक बता दिया, ये कंटेंट है जो उनको याद आया वो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया, और आपको भी यही करना है। लेकिन मैं आपको अगर एक एडिशनल चीज बताऊं, एडवांस चीज बताऊं, जब आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं तो आप इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, कैसे कि हम यहाँ पे कास्ट का रोल पढ़ते हैं, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, या हम रिलीजन का रोल पढ़ते हैं। सो दिस इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी टुगेदर, दे आर कमिंग टुगेदर। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया, ऑफकोर्स इट्स ओके, बट इट इज एन एनरिचिंग पॉइंट फॉर यू, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने दो चीजें, दो कीवर्ड्स को एड्रेस कर दिया, पहला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन लिख दी, दूसरा इन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में बता दिया क्या है, डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके आगे थोड़ा और बता दिया कि मार्क्सिज्म और एरिस्टोटल की रूट है, ऑल ऑफ दैट। अब आते हैं तीसरे कीवर्ड पे, वो है लिमिटेशंस। हाउएवर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन दैट सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आप इनकी हैंडराइटिंग देख रहे हैं, और ये उनकी, जब आप टॉपर स्टॉप देखेंगे या जो भी जहाँ भी अगर आप जानते हैं उनके बारे में पढ़ा है आपने, तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि मेरी राइटिंग इज वेरी बैड, येट आई स्कोर्ड 314। तो अपनी प्लीज़ कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस मत करने लग पड़ना। बहुत लोग मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही एम्फेसिस हैंड राइटिंग पे दे देते हैं बहुत। अगर आप इनके खुद से पेपर पढ़ेंगे, जो अपनी टॉपर स्टॉक में भी वो यही बताते हैं कि अगर मैं खुद के पेपर पढ़ता हूँ कभी कभी मुझे नहीं समझ आता कि क्या लिखा है, तो राइटिंग पे इतना ज़्यादा, पेपर कंप्लीट करने पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, नीट लिखने पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक के ऊपर चढ़ाए हुए वर्ड्स, ऐसा मत कीजिए बस, पर राइटिंग जो आपकी है उसे रखिए वैसे ही, कोई बात नहीं, गंदी है गंदी सही, मार्क्स आते हैं, 314 मार्क्स आए थे इनके, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन है, अब हम तीसरे कीवर्ड का देख लेते हैं, दैट सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड लाइक ओके कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट डेफिनेटिव एंड हेंस डिफिकल्ट टू कंपेयर, ठीक है। सोसाइटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, हम सोसाइटीज को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का, वो आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कहीं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की एक सबसेट बन के ना रह जाए, ठीक है, कहीं सोशियोलॉजी ओवरटेक ना कर ले पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस बस एक सब सब्जेक्ट बन के रह जाए इसका, ऐसा सबसे बड़ी लिमिटेशन थी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की, ठीक है। और फिर एरिस्टोटल ने भी कहा था कि जो स्टेट है
स्टेट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी, तो मतलब स्टेट को कहीं हम बिल्कुल भूल ना जाए और सोसाइटी पे ही ध्यान देते रहे, ये लिमिटेशन थी। इसलिए फिर क्या आता है, इनका कंक्लूजन अच्छा है, आपको भी ये लिखना चाहिए। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आए, आप एक कंक्लूजन रट के चले जाओ, वो है थेडा स्कॉकपॉल का, ठीक है। तो फिर एंड में न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है, ये रट के चले जाओ कि थेडा स्कॉकपॉल ने क्या कहा था, ब्रिंग द स्टेट बैक इन, ब्रिंगिंग बैक द स्टेट इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। स्टेट के बिना सिर्फ सोसाइटी पे ही ध्यान देते रहोगे तो इट इज़ अ बैड थिंग, हम तो एक सबसेट बन के रह जाएंगे सोसाइटी या पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। फिर नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में लिखा है इन्होंने, एंड से दैट द स्टेट इज नॉट जस्ट शेप्ड बाई सोसाइटी बट ऑल्सो शेप्स द सोसाइटी। यस, सिर्फ जो स्टेट है वो स्टेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर यू नो इंटरेस्ट, सिर्फ उन्हीं से स्टेट इम्पैक्ट नहीं होती, बल्कि स्टेट भी इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम मैरिज देखें, हम डिवोर्स देखें, तो सरकार ने, स्टेट ने बोला हुआ है ना कि जो मिनिमम एज है लड़कियों के लिए वो 18 है, लड़कों के लिए 21 है, या डिवोर्स के लिए एलिमनी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब कुछ है ना, एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि स्टेट भी डिटरमाइन करती है सोसाइटी को, तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म, इन दिस वे पोलिटिकल सोशियोलॉजी हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, क्वेश्चन वन डन। अब हम आते हैं, कंपेयर न्यू सोशल मूवमेंट्स विद ओल्ड सोशल मूवमेंट्स। अब देखिए, ऑफकोर्स कोई एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली कंपेरिजन पे आएंगे, और कंपेरिजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, चाहे वो रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में डिफरेंस आ जाए, चाहे वो अगर आप पेपर वन देखेंगे अपना तो उसमें भी कंपेरिजन आता है कि जस्टिस का जो थॉट है वो कंपेयर कीजिए आप यू नो स्टार्टिंग प्लेटो के जस्टिस से और बाद वाले जो रॉल्स के जस्टिस। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल। देखते हैं कि इसको भी कैसे सिंपलीफाई करते हैं हम, ठीक है। तो कंपेयर क्या करना है, न्यू सोशल मूवमेंट को और ओल्ड सोशल मूवमेंट को। अब आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ दो कीवर्ड्स हैं, पर मेरे हिसाब से इसमें तीन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। वो है न्यू सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट। अब आई थिंक आपको पता चल रहा होगा कि कैसे आप टॉपिक जैसे ही सिलेबस देखेंगे ना उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप नोट्स रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन है उसमें दी हुई, तो सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन से ही शुरू करना है, ठीक है। ऊपर क्या थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक टॉपिक है आपके सिलेबस का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन लिख के रख लो, वही आपका इंट्रोडक्शन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको ऐसा लगेगा अगर आप इस तरह से नहीं सोचेंगे कि हम कहाँ से लेके आए, हर बार इंट्रो नया ही बनाना पड़ता है, देर एंड देन ही बनाना पड़ता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट आपको ऐसा ही करना है अगर पेपर कंप्लीट करना है टाइम पे। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऑल्दो अगर हम जीएस पेपर्स में देखें तो वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती, लेकिन मैं आपको कहूँगी आपके ऑप्शनल में क्वांटिटी भी मैटर करती है। राइट, पूरा जितने भी पेजेस हैं वो भरने की कोशिश कीजिए, यहाँ मैटर करता है। ओके, तो हम देखते हैं सोशल मूवमेंट्स क्या है। सोशल मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन टू अचीव सर्टन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। अब क्या है ये डेफिनेशन, या खुद भी लिख सकते हो, सोशल मूवमेंट क्या है, कोई भी एक ऐसी मूवमेंट जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करने के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए। वेरी सिंपल, आई थिंक ये जिसका, अगेन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, जिसका पी एस आई और ऑप्शन नहीं है वो डेफिनेशन लिख के आ सकता है इसकी। और सोशल मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ यू नो आपके पी एस आई आर में नहीं आ रहे, इनफैक्ट जी एस टू का पेपर उठा के देखिए, जी एस वन के भी पेपर में एक बार सोशल मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट लुक थ्रू द पेपर्स, ओके, बिकॉज ऑफ। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों, क्योंकि अब ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ सोशल मूवमेंट की आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने स्टार्ट कर दिया न्यू सोशल मूवमेंट, फिर लिख दिया ओल्ड सोशल मूवमेंट, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने लिखा है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट्स इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज न्यू एंड ओल्ड। सिंपल, वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये ऐड ज़रूर कीजिए कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया ओल्ड सोशल मूवमेंट के बारे में, न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में, पॉइंट नंबर वन पे एक पैराग्राफ बन गया, पॉइंट नंबर टू का दूसरा पैराग्राफ बन गया, पॉइंट नंबर थ्री का तीसरा पैराग्राफ, फिर कंक्लूड किया। हम देख लेते हैं कैसे। ओके, सो द ओल्ड सोशल मूवमेंट्स केम इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जब टाइम पे अगर आप आए हैं, कोई ऐसी मूवमेंट शुरू हुई है, तो वो डेफिनेटली मोनोक्रोमेटिक है। क्यों, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात की जाती है। अब देखिए, अगर किसी को पीएसआईआर नहीं आती तो ये वर्कर्स नहीं पढ़ सकता। बहुत सारे ऐसे वर्ड आप खुद पता चलेंगे कि इतनी ज़्यादा हैंडराइटिंग पे अपना ध्यान मत दीजिए, नीट लिखिए,
पर सारा ध्यान हैंडराइटिंग पे जा रहा है, अरे मेरे मार्क्स तो इसलिए नहीं आएंगे, सोचोगे तो नहीं आएंगे फिर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड न्यू सोशल मूवमेंट्स आर प्लूरल इन नेचर, तो ये मोनोक्रोमेटिक था और ये प्लूरल है, क्यों? क्योंकि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में बात करता है साइमल्टेनियसली। एक मूवमेंट है वो पॉलिटिकल एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही है, सोशल भी और कल्चरल भी, एक ही मूवमेंट, ठीक है। फिर हम एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन्होंने लिखा है पैराग्राफ बना के, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर कंसर्न मोर विद बेसिक आइटम्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। यस, यू वेरी वेल नो ओल्ड सोशल मूवमेंट, क्योंकि बहुत समय पहले था, उस समय तो हमें पता ही नहीं था क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी सोचना है, बस लाइफ मिल जाए, ढंग की लाइफ मिल जाए, पेट पल जाए, बस ऐसा ही सोचा जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, है ना। तो जो ब्रेड एंड बटर इश्यूज थे उस पर ओल्ड सोशल मूवमेंट्स हुई थी, लेकिन अगर हम न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करती है। आई डोंट नो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि नहीं, पर यहाँ एग्जाम्पल्स देने चाहिए आपको। ऑफकोर्स आपको ये लिखना चाहिए एग्जाम्पल में कि ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट में आप लिख सकते हैं LGBTQ जो मूवमेंट चल रही है, या फिर आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मूवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, ओके। हेंस दे आर मोर कॉम्प्रहेंसिव इन नेचर, फाइन इनफ। अब हम थर्ड पॉइंट को इन्होंने बनाया हुआ एक और पैराग्राफ, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर लेड बाय वर्कर्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स आर लेड बाय इंटेलेक्चुअल क्लास, ठीक है, और जो न्यूली इमर्ज्ड मिडिल क्लास है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा अवेयर हैं ग्लोबलाइजेशन, कोई अगर US में ब्लैक लाइव्स मैटर हो रहा है तो हमें यहाँ पे भी सपोर्ट दिखता है, मिलता हुआ है ना, तो वही सारी चीजें। ओल्ड सोशल मूव, तो ब्लैक लाइव्स मैटर भी एक एग्जाम्पल है न्यू सोशल मूवमेंट का। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स एम्प्लॉयड वायलेंट मेथड्स लाइक वर्कर रेवोल्यूशन, वेर एज न्यू सोशल मूवमेंट्स एम्प्लॉय वेरियस मेथड्स लाइक सोशल मीडिया, ओके, कैंडल मार्च, प्लेज एटसेट्रा। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए हम पहले ये पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं अब आपको हर क्वेश्चन में एक खुद का इंसाइट दूंगी कि कैसे आप इसको और एडवांस बना सकते हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर होमोजेनाइज्ड इन नेचर व्हाइल न्यू सोशल मूवमेंट्स टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन लाइक ट्रांसजेंडर राइट, ओके, यहाँ एग्जाम्पल आ गया थोड़ा सा, ठीक है। हैंड सोशल मूवमेंट्स हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो बेसिकली क्या है, जहाँ सोशल मूवमेंट से शुरू किया डेफिनेशन से उसी पे एंड कर दो, बेसिक करो ना, जनरलाइजेशन से एंड करो, जनरलाइजेशन से शुरू करो, बस काम खत्म, बीच में जो है पूछा हुआ उस पे लिख दो। अब एक एडवांस चीज, एक एनरिचिंग, एक करने वाली जो चीज़ है वो ये है, ऑल्दो एक सेपरेट क्वेश्चन आप देखते हैं PYQs उठाओगे तो आपको मिलेगा कि डेवलपिंग सोसाइटीज में ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो डेवलपिंग सोसाइटीज में आपको पता है, इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसमें कोई ओवरलैप नहीं है, उसमें बहुत ओवरलैप है, इन द सेंस वो डिफरेंट नहीं है। ओल्ड सोशल मूवमेंट के जो टैक्टिक्स हैं, वायलेंस है या प्रोटेस्ट है, जो जो भी होते हैं, वही हमारे न्यू सोशल मूवमेंट्स में भी अपनाए जा रहे हैं डेवलपिंग सोसाइटीज में। तो ये आप यहाँ पे एज अ फैक्ट लिख सकते हैं कि ऑल्दो दे आर डिफरेंट बट इन डेवलपिंग सोसाइटीज वी सी अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द टू। फॉर एग्जाम्पल एक मूवमेंट दे दो, कोई नर्मदा बचाओ आंदोलन लिख दो, कि कैसे वो ऑफकोर्स ट्राइबल सोसाइटीज के, ट्राइबल मेंबर्स के ब्रेड एंड बटर इश्यूज के बारे में भी बात कर रही थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट के बारे में भी बात कर रही थी, ठीक है। तो ये हमने एक एडवांस पॉइंट भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम 20 मार्कर और 15 मार्कर्स देखेंगे। कंपेयर द नेचर ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो अगर हम इसके की वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करें तो ये भी एक कंपेरिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे भी तीन आप समझ गए हो गए अब तो, है ना, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो कि यहाँ पे पहले क्या करना है। सिंपल, ये भी आपके सिलेबस उठाइए, आपको कंटेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सच बताऊँ तो इंट्रोडक्शंस के लिए सिलेबस उठाइए, हर चीज़ की डेफिनेशन प्रिपेयर करिए, सिर्फ डेफिनेशन भी लिखाएंगे ना, और ये सिंपल ही है, ये डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, हर जो भी हम यहाँ आंसर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन तो वैसे ही तैयार हो जाता है, ओके। तो सबसे पहले ऑफकोर्स यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा होगा प्रेशर ग्रुप्स को, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स होती क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर उसको ऑफकोर्स इन्होंने बताया होगा कि ये डिफर करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, फिर उन्होंने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दिए होंगे, फिर एंड भी जो कंक्लूड किया होगा वो भी एक जनरल कंक्लूजन से ही किया होगा। हम देखते हैं जो हम सोच रहे हैं वो ऐसा ही आंसर इन्होंने लिखा है कि नहीं, ओके। सो प्रेशर ग्रुप्स आर डिफाइंड एज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल टू अचीव सर्टन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके GS2 में भी प्रेशर ग्रुप्स आप पढ़ते हैं। सिंपल, क्या ही डिफरेंस है, ऊपर वाली जो हमने अभी डेफिनेशन देखी उतनी ही सिंपल है ये भी डेफिनेशन, ठीक है। तो दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट देयर पॉलिसीज। तो प्रेशर ग्रुप का जो नाम प्रेशर ग्रुप इसलिए पड़ा है क्योंकि वो
अपने एम्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अब आप जानते हैं जो गैब्रियल आलमंड और पावल की, तो आलमंड और पावल हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, तो उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इन्होंने इसका मेंशन किया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, कीवर्ड्स अगेन जो आपके GS4 में बताया जाता है, आपको बहुत स्मार्टली आपको कीवर्ड्स को डालना है। ठीक है, कंपैरेटिव अप्रोच का आप जानते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बहुत सारी अप्रोचेज हैं, कहीं पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच घुसा दो, कहीं पे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, कहीं पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टमिक एनालिसिस, ठीक है, कुछ भी डालते रहो अपनी तरह से। तो इन्होंने भी यही किया, प्रेशर ग्रुप पे आंसर लिख रहे हैं, थोड़ा सा एनरिचिंग बनाने के लिए PSIR टाइप लगे। तो इन्होंने क्या किया कि पावल और आलमंड के हिसाब से प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ओके, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ठीक है, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करके क्या करते हैं, बेसिकली ये अपने डिमांड्स को रखते हैं सरकारों के समक्ष ताकि उन्हें अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, तो फाइनर ने क्या कहा है, फाइनर ने कहा है ये इनविजिबल एम्पायर्स हैं। तो इन्होंने जो पॉसिबल यू नो थोड़ा बहुत एक दो यहाँ पे ऑथर्स लिख दिया, बता भी दिया। तो स्टार्ट कहाँ से होता, प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन से। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये फंक्शन क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करना। ठीक है, तो ये बता दिया। अब हम आ जाते हैं प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावल, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज डेवलप्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज इज डोमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशनल एंड एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स, ओके, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल लॉबीज एंड बिजनेस ग्रुप्स। यूएस की बात हो रही है यहाँ पे, यूएस में ही एग्जाम्पल है, यूके में भी, ठीक है। तो लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अब यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिल्कुल वही उन्होंने पैराग्राफ बनाया हुआ है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नंबर करके तो नहीं लिख सकते ना PSIR के आंसर्स में, लिख सकते हैं पर ज्यादा मत कीजिएगा, एक आधे क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर लिख के आइएगा। तो इट इज डोमिनेटेड बाय नॉन एसोसिएशनल, डेवलपिंग कंट्रीज में आप जानते हैं नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे जाट सभा, गुज्जर सभा, ओके, तो एग्जाम्पल भी दिए हैं, एग्जाम्पल तो देने ही हैं, ओके। और प्रेशर ग्रुप कैसे हैं, देखिए हम यहाँ पे बजरंग दल और करनी सेना, ओके। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो प्रेशर ग्रुप्स हैं, दे समटाइम्स रिजॉर्ट टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आल्सो, लाइक केओस विटनेस्ड इन रेडफोर्ड आफ्टर द रिपब्लिक डे बाय फॉर्मर प्रेशर ग्रुप्स। तो दिस इज अ वेरी रीसेंट एंड जो उनके समय यू नो यही कंटेम्प्ररी एग्जाम्पल था, तो उन्होंने इसको यूज किया है। ठीक है, तो आप भी ऐसा कोई भी कंटेम्प्ररी एग्जाम्पल आपको दिखता है, अगर आप रेस्टलेस प्रोटेस्ट के बारे में लिख सकते हैं, दे आर एक्टिंग एज प्रेशर ग्रुप एट द मोमेंट, ओके, अगर रिज्यूम होती है दोबारा रेस्टलेस प्रोटेस्ट, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, रिज्यूम ना हो तब भी एग्जाम्पल तो है ही आपके लिए। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज के एक और पॉइंट लिखा है, प्रेशर ग्रुप्स हैव इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज वाइल इन डेवलपिंग कंट्रीज दे आर जनरली जूनियर पार्टनर्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। आप जानते हैं, सब जानते हैं, आप NSUI की बात करें तो क्या है वो, कांग्रेस की जूनियर पार्टनर है, ABVP की बात करें तो BJP की एक जूनियर पार्टनर है, ठीक है, और एक आम आदमी पार्टी का भी जूनियर पार्टनर है। तो आप जानते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में यही होता है, ठीक है। लेकिन फिर एक और, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वही स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली इनके आंसर का, ये आंसर मैंने देखा नहीं था इससे पहले। तो जनरली इन्होंने फिर प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स पे ही एंड किया, शुरू भी प्रेशर ग्रुप के ही जनरल डेफिनेशन से था, एंड भी। However, rise of pressure group politics has made democracy more representative and participative. Although you see, you know, ये कोई बहुत खास introduction, conclusion नहीं है, और बहुत खास बनना भी नहीं है आपको, आपको उस पेपर निकालना है अपना, that is it. Okay, अब हम देख लेते हैं कुछ बड़े, अभी हमने 10 markers देख लिए, कुछ बड़े questions देख लेते हैं, ठीक है। So, traditional form of globalization, this is 20 marker. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इन पार्शियल रिट्रीट, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इन पार्शियल रिट्रीट एंड न्यू एजेंडाज आर मॉर्फिंग द न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड G7 समिट। आई थिंक ये जो G7 समिट, अगर ये उस समय की बात है, कॉर्नवॉल समिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि कितना प्रपोर्शन इन्होंने G7 समिट को डिस्कस करते हुए दिया, और आप खुद देखेंगे, जो मुझे लगता है क्योंकि सबको बिल्कुल निट्टी ग्रिटीज एक एक वर्ड याद नहीं होता, आपको ऑफकोर्स जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, कोई एक शब्द तो निकल के आता ही है ना, कोई भी एक समिट होती है तो उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन की हेडलाइन बन जाती है, हेडलाइन में से वो आप कीवर्ड पिकअप कर लो, थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज पर बात होगी ही होगी, है ना, उस समय तो अफगानिस्तान पर हर जगह बात हो ही रही थी, COVID-19 वैक्सीन की बात हो ही रही थी, तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है डेफिनेटली आंसर में इन्होंने लिखा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा किसी को नहीं आता, आपको लगेगा अरे मुझे G7 समिट तो मैंने फॉलो नहीं किया था, क्या हुआ था, मैंने एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, इतना कॉमन सेंस आप लिख सकते हो, आपको अभी के इश्यूज पता है क्या चल रहे हैं, तो आप अभी वाले आंसर में भी लिख सकते हो क्या आपको लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है। ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन, सिंपल आपका सिलेबस है, सिलेबस में एक टॉपिक है, एक कीवर्ड है, उसकी डेफिनेशन, आप अपने PSIR के नोट्स नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी आप ये डेफिनेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये आपके डिट्टो इंट्रो होंगे। ओके, तो ट्रेडिशनल क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, बेसिकली जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो अब रिट्रीट कर रही है, और न्यू एजेंडाज बेसिकली अब नए फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन को पनपते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें G7 समिट से इससे रिलेटेड क्या ताल्लुकात है इसका, वो भी लिखना है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को देख लेते हैं। थॉमस फ्राइडमैन इन हिज बुक डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन as the inexorable connection of nation states, technology and markets, ठीक है, यही definition है globalization की, कि एक बहुत ही deep connection nation states का, technology का और markets का, okay, तो connections have become faster, farther, cheaper and deeper, ये आप जानते हैं, ये भी इन्होंने ही कहा है, Friedman ने ही, तो वो, it is a good intro, इट इज ऑलवेज गुड, अगर आप कोई भी जो आपको डेफिनेशन के साथ जिसने वो डेफिनेशन दिया आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं आपको आता तब भी ठीक है, कोई बहुत गुनाह नहीं हो जाएगा आपका, ये सोच लो कि 10 दिन पहले इन्होंने आंसर्स लिखे हैं और इनके 314 आए हैं, क्या ही डिफरेंस इन्होंने कर दिया होगा 10 दिन में, बहुत ज्यादा, है ना, तो इतना तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब क्योंकि बेसिकली यहाँ कीवर्ड क्या था, सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर G7 समिट, तो ये कुछ कीवर्ड्स थे। अब ऑफकोर्स जो ट्रेडिशनल फॉर्म बताई होगी है क्या, चेंज क्या हुई है, बन क्या गई है चेंज होके, ये तो तब पता चलेगा ना, जब पता हो पहले क्या थी। सो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम नियो लिबरल इकोनॉमिस्ट, यस ग्लोबलाइजेशन आती ही नियो लिबरल इकोनॉमिस्ट से है, जैसे एडम स्मिथ, हायेक, फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन, ओके, जिन्होंने क्या कहा था कि मार्केट्स बेसिकली क्या है, मार्केट्स को कंट्रोल लेने दो, वो हर चीज का डिमांड सप्लाई करके अपने आप खुद को संभालना जानते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, फिर उन्होंने कुछ एग्जांपल दे दिए कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल्स क्या है, इंस्टीट्यूशंस लाइक GATT, IMF विच इज अब का WTO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो ये कुछ नहीं है, अब 20 मार्क्स का आपने आंसर लिखना है तो आप टू द पॉइंट तो लिख के नहीं आ सकते, आपको थोड़ा एनलार्ज करके लिखना है, तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स, वो सब कुछ आप लिखोगे, ऑथर्स जो भी पता है आपको, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ऑफकोर्स यू वुड राइट अबाउट इट, ओके। सो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम 14-point स्पीच ऑफ वुड्रो विल्सन टू US कांग्रेस, ठीक है, फिर उन्होंने बता दिया कि बेसिकली ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन की जब बात की है तो है क्या, तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफकोर्स वुड्रो विल्सन की वो स्पीच जो उसने US कांग्रेस को दी थी कि लिबरलिज्म के बेसिस पे 14-point हम दे रहे हैं कि उसमें फ्री मार्केट होंगी, फ्री ट्रेड, नेविगेशन, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो आपको कहानी नहीं लिखनी, आप अच्छे आंसर्स, परफेक्ट आंसर्स लिखने के चक्कर में क्या करोगे, 14-point स्पीच में एग्जाम्पल्स भी लिखना शुरू कर दोगे, सारा टाइम वेस्ट यहीं, स्पेस वेस्ट यहीं, लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपके पेपर चेक कर रहा है उसको PSIR आती है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। इट लेड टू इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ओके, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, रोजक्रेन की आप जानते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी अमंग नेशंस, एंड हेंस प्रिवेंटेड मेनी वॉर्स, ऐसा ही कहते हैं ना कि जब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, वॉर्स को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया, क्योंकि आप एक दूसरे पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं। अब ये जो आसियान नेशंस हैं वो क्यों चाइना से लड़ते नहीं, जबकि पता है साउथ चाइना सी में उन्होंने टापू डाले हुए हैं चाइना ने हर जगह, वियतनाम के अगर हम देख लें, चाहे जापान के देख लें या किसी और के भी
हम उस एरिया में देखें तो कोई एग्जैक्टली लड़ क्यों नहीं रहा चाइना से और चुप क्यों हो जाते हैं, स्पेशली आसियान नेशंस जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि वो उस पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है चाइना पे, और ग्लोबलाइजेशन ने यही किया है, ऑलमोस्ट वॉर्स को इम्पॉसिबल बना दिया है। लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, आप जानते हैं, बट मोर और लेस दिस इज वॉट इट इज। ओके, अब अगर हम यूएस और चाइना की भी बात करें, यूएस और चाइना में भी तो यही है, चाइना भी डिपेंडेंट है। आप एक बार ट्रेड डेफिसिट उठा के देखिए यूएस का। ओके, एज इट लेड टू चेंज फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक मॉडल टू सोसाइटी सेंट्रिक, बर्टन का यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। हाउएवर, अब ये तो हमने ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिशनली हमने क्या सोचा था कि वॉर्स इम्पॉसिबल बना देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब हम आते हैं एक और नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हाउएवर, एज पॉइंटेड आउट बाई जोसेफ स्टिग्लिट्स इन हिज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, द स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेट टू इंक्रीज इन पॉवर्टी इन डेवलपिंग नेशंस, इट ऑल्सो लेट टू द फिनोमिना ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिक्रीज स्टेट। ओके, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि जोसेफ स्टिग्लिट्स ने क्या बेसिकली उसको क्रिटिसाइज किया कि पावर्टी हुई है इसकी वजह से और डेवलपिंग नेशंस में तो बहुत बुरा हुआ है। आप इनफैक्ट मेंशन कर सकते हैं कोर पेरिफेरी मॉडल को भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो। नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, वही इमैनुअल वॉलरस्टीन आ गया, इन्होंने कोर डिपेंडेंसी मॉडल लिख दिया यहाँ पे। हेंस न्यू एजेंडाज, तो इसीलिए अब क्या इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने क्या किया, पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखी जो फ्राइडमैन ने दी थी, फिर उसके बाद इन्होंने बताया अच्छा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी क्या, जिसके हिसाब से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और ये सब वगैरह, गैट आया, वर्ल्ड बैंक आया, IMF आया, ठीक है। फिर लेकिन इन्होंने बताया ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन में बड़ी सारी दिक्कतें थी, दिक्कतें तो ये अभी वाले ग्लोबलाइजेशन भी है, पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि कोर डिपेंडेंसी मार्क्सिस्ट ये कहते हैं और स्टिग्लिट्स ये कहते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, हेंस न्यू एजेंडाज आर मॉर्फिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ डेवलपिंग। अब कैसे आओगे आप हेंस तक आओगे कैसे, कुछ तो क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा ना, तभी तो न्यू एजेंडाज आ रहे होंगे। हेंस न्यू एजेंडाज आर मॉर्फिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक G4 ग्रुपिंग आर डेवलपिंग रिफॉर्म्स ऑफ UNSC टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक, न्यू ग्लोबलाइजेशन हैज ग्रेटर रोल फॉर द स्टेट एज इट इज ओके रीगेनिंग इट्स सॉवरेनिटी। तो न्यू ग्लोबलाइजेशन में क्या है, स्टेट सॉवरेनिटी को एज इट इज रखने की कोशिश की जा रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है, जब पैंडेमिक आया हमें लगा ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ी दिक्कत ही पैंडेमिक हुआ क्यों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो हुआ है ना, क्यों इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है अपने साथ कोविड लेके आ रही हैं, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। फिर हमने क्या देखा, स्टेट्स राइजिंग अप, सब ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए एंड ऑल ऑफ दैट, तो हमें पता चला अच्छा पूर्ण रूप से ग्लोबलाइज्ड हम नहीं हुए, हमारे दिमाग में अभी भी स्टेट सॉवरेनिटी है, स्टेट अपने बॉर्डर्स ही बंद कर लिए उन्होंने, ठीक है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ न्यू, अ मिक्सचर ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अब ग्लोबलाइजेशन में स्मॉल क्लीक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करूं और एक एनरिचिंग पॉइंट आपको दूं, तो G7 का मतलब ये, G7 एक छोटा सा ग्रुप है, WTO और इनकी तरह इतना बड़ा इंक्लूसिव ग्रुप तो नहीं है, तो इसीलिए G7 का वर्णन करते हुए पूछा गया कि इनके कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि G7 जैसी ग्लोबलाइज में छोटे छोटे क्लीक्स भी दे वैसे तो हम मल्टाइलेटरलिज्म की बात करते हैं, तो मल्टाइलेटरल छोटे ग्रुप्स भी हो सकते हैं। थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस ऑन सिंगल सप्लाई चेन्स। ओके, ये भी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स दिख दिए। ओके, तो इनकी बुक जो है न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर कॉइन द टर्म। ओके, तो हम ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, समीर सरन एंड जयंत सिन्हा, उनकी बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, दे कॉइन द टर्म गेटेड ग्लोबलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, वेर इन स्टेट्स आर इंटीग्रेटिंग इन सम एरियाज एंड डी इंटीग्रेटिंग इन सम अदर। ओके, तो ये चीज एक बहुत न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट द रीसेंट G7 समिट, अब हम G7 समिट पे, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही देखना जनरल चीजें लिखी होंगी जो आप भी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर इधर उधर सुना हुआ है ना आपने, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में रीसेंट G7 समिट ने क्या किया, कॉर्नवॉल कंसेंसस पे पहुंचे, दस रिप्लेसिंग द वॉशिंगटन कंसेंसस as being more resilient, sustainable, हर जगह क्लाइमेट तो घुसाना ही है, and equitable।
थ्रू ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन, ये भी आपको न्यूज़पेपर्स में मिल रहा था, ठीक है। तो G7 समिट में ऑफकोर्स ग्लोबल मिनिमम के 15% मैक्सिमम मिनिमम टैक्स होना ही चाहिए ताकि टैक्स इवेजन ना हो पाए MNCs द्वारा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन आई वेरी वेल न्यू, और तो ये बेसिकली न्यू ग्लोबलाइजेशन इज बिकमिंग वेलफेयरिस्ट। ओके, देखिए कितना छोटा सा, इनको इससे ज़्यादा शायद आता ही नहीं होगा और किसी को भी नहीं आता होता ऐसे तरीके की एग्जांपल में। तो G7 जब आप GS2 के यू नो पेपर्स उठाएंगे तो उसमें भी बहुत बार ना जो यू नो पावर्टी रिपोर्ट या कोई भी ऐसी SDG रिपोर्ट या ऐसे कुछ भी पूछ रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में लिखो, इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखो, तो उसमें आप एक पैराग्राफ भी लिख देंगे ना, डर मत जाना उसे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। बी बेटर देन अदर्स, कुछ एक दो कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए लिखने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आंसर उसी पर लिखने की कोशिश करो, वो भी गलत। Hence, in the words of PM Modi, new globalization must be based on fairness, equality and humanity. Now, again, this is not a great conclusion. समझ रहे, कोई लिंक नहीं था ऊपर बॉडी और कॉन्क्लूजन में, लेकिन इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट इज डन। बन गए ना IAS ऑफिसर, बस इतना ही बनना आपको। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Whether realist approach is the best method to understand international relations, examine in the context of post-Cold War world order. ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर देखें हमारे keywords क्या है, realist approach, क्या ये best method है, एक और यहाँ पे international relations को समझने के लिए, इसको हमें किसके context में बताना है, post-Cold War world order के। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, रियलिज्म की डेफिनेशन से, अब ये भी आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, आप उस पर डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि रियलिज्म एज इट इज चीज़ों को देखते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे हिसाब से इसका फ्लो थोड़ा सा अलग होना चाहिए था और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। वो क्या है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि क्या रियलिस्ट अप्रोच बेस्ट मेथड है इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता पहले आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताना चाहिए, है ना। जब आपसे ये पूछा क्या ये बेस्ट मेथड है, तो इसका मतलब ये है कि और भी मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, और आप जानते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज में पढ़ते हैं, तो आप क्या लिख सकते थे इसमें, पहले डिफाइन कर दो बेसिक, बहुत ही एक लाइन की डेफिनेशन लिख दो कि इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर टू द इंटरैक्शंस अमंग सॉवरेन स्टेट्स, फुल स्टॉप। देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स टू अंडरस्टैंड IR, लाइक लिबरल अप्रोच, रियलिस्ट अप्रोच, फंक्शनलिस्ट कंस्ट्रक्शन जो वाला अप्रोच है, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद रियलिज्म की डेफिनेशन लिख दो, फिर जैसा इन्होंने आंसर लिखा है देखते हैं, ठीक है। तो रियलिज्म एज एन आइडियोलॉजी एग्जामिन्स द वर्ल्ड एज इट इज रादर देन एज इट ऑट टू बी, ओके, इन द वर्ड्स ऑफ, ओके, रियलिज्म इज नॉट नॉर्मेटिव बट इट इज एन एम्पिरिकल स्टडी, ये आप जानते हैं, ठीक है, एम्पिरिकल स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। रियलिज्म के बारे में आपने ये लिख दिया। The school owes its origin to the debate between idealist and realist on how to tackle rising Germany. इन्होंने फिर background बता दिया कि realism आया कैसे, कि ये आप जानते हैं world war की बात हो रही है, कि Germany rise पे थी और कैसे उसको tackle करना है, तो idealist और realist आपस में लड़ रहे थे, तो फिर E.H. Carr आ गए। E.H. Carr ने अपनी जो आप जानते हैं 20 years crisis, ये interwar period को refer करता है, 20 years crisis आप जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था द वर्ल्ड इज डिवाइडेड ड्यू टू डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल इन सच अ कॉन्फ्लिक्चुअल एनवायरनमेंट, फोर्स नॉट मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो फोर्स ना कि मोरालिटी की जरूरत है, ओके, और फोर्स ही डोमिनेट करता दिख रहा है। तो फिर हम आते हैं कि रियलिस्ट, जो इन्होंने फिर क्लासिकल रियलिस्ट के बारे में लिख दिया कि मॉर्गनथाउ, उन्होंने बोला कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, रियलिज्म ह्यूमन नेचर से आती है, हम हैं ही ऐसे सेल्फिश ये वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्योंकि जो मैन है वो एनिमल्स डोमिनेंटी है, पावर सीखेंगे, पावर आफ्टर पावर, ठीक है। तो इस होबेसियन वर्ल्ड में जहाँ पे सबको स्टेट ऑफ नेचर की तरह है, इट इज बाउंड टू इंक्रीज इट्स पावर एंड इंश्योर इट्स सिक्योरिटी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फिर उन्होंने पहले क्या लिखा क्लासिकल रियलिज्म के बारे में, फिर उन्होंने नियो रियलिस्ट के बारे में बता दिया, केनेथ वॉल्ट्स, मीरशाइमर, उन्होंने क्या दिया स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो इन्होंने बोला है कि रिगार्डलेस ऑफ स्टेट चॉइसेस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज सच दैट स्टेट्स आर फोर्स्ड टू गो फॉर अश्योरेंस आर्म्स रेस बैलेंस ऑफ पावर और ये न्यूक्लियर डेटरेंस, सब कुछ इन्होंने दिया। तो आपको बेसिकली अगर रियलिस्ट अप्रोच पे क्वेश्चन आया है तो आपको रियलिस्ट अप्रोच के जो टूल्स है ना, जैसे जिससे हम स्टडी करते हैं बैलेंस ऑफ पावर, न्यूक्लियर डेटरेंस, आर्म्स रेस, फोर्स, ये ह्यूमन नेचर, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, एज इट इज नॉट ऑट टू बी, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं, ओके।
और अगर आप फिर क्वेश्चन, अभी क्या था, एक कीवर्ड हमने देख लिया जो मुझे लगता है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखना चाहिए था, फिर बताना चाहिए था कि एक जो रियलिस्ट मेथड है फिर वो क्या कहता है, उसके टूल्स क्या है, क्लासिकल लिबरल रियलिज्म, फिर उसके बाद न्यू रियलिज्म, ठीक है, फिर उसके बाद अब पूछा गया था कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में बताइए कि इसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि सबसे रेलिवेंट क्या रियलिज्म ही है, ठीक है, तो फिर आपको क्या बताना है कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है क्या बेसिकली, ठीक है. द रेलिवेंस ऑफ रियलिज्म इज इन क्वेश्चन and according to Mearsheimer, for realism to work there should be unipolarity, लेकिन post cold war world में क्या हो गया है, multipolarity आ गई है, तो सारी states independent है, अपनी ideology follow कर सकती हैं. 2001 के साल तक basically unipolarity थी, पर उसके बाद नहीं है, ठीक है. realist like Henry Kissinger, किसिंजर जो भी आप कहते हैं, क्वेश्चन द रेलेवेंस ऑफ रियलिज्म. तो बेसिकली रियलिज्म बेस्ट मेथड नहीं है, अभी उस पर बातचीत चल रही है, ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर नहीं है सही, क्योंकि इग्नोर करता है बड़ी सारी चीज़ों को, नॉर्म्स को, नॉर्म्स का क्या रोल है, वैल्यूज का क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो तो रियलिज्म देखता ही नहीं. तो उन्होंने कहा कि आइडियलिस्ट डू नॉट हैव द मोनोपोली ऑफ आइडिया. ओके, ठीक है, ये गलत शायद इन्होंने लिख दिया. ऑल्सो सिंस दी एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, फिर अब हम आ गए कि रियलिज्म डेफिनेटली बेस्ट अप्रोच नहीं है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप देखिए ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो मतलब रियलिज्म डिक्लाइन में है, ठीक है. रियलिज्म का मतलब जो स्टेट सेंट्रिसिटी होता है ना, तो फिर कैसे आपस में विश्वास कर पा रहे हो आप, आपको तो लड़ना चाहिए, पावर सीकिंग होना चाहिए, ठीक है. तो फिर उन्होंने बोला कि इसीलिए ग्लोबलाइजेशन देख लो, है ना. सो और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वी आर अवर्स टू गो टू वॉर विद ईच अदर, जैसे कि अभी हमने पिछले आंसर में देखा. लेकिन रॉबर्ट गिल्पिन और चार्ल्स किंडलबर्गर के हिसाब से स्टेट्स हैं और स्टेट्स ही रहेंगी प्राइम एक्टर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की. तो आपने क्या किया, फिर अपने ही आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर दिया, ठीक है. जैसे आप मिडल ईस्ट में देख लीजिए, इंडो पैसिफिक, इंडो पाक देख लीजिए, इंडो चाइना वॉर देख लीजिए, ये सब कुछ लिखा है. तो इससे क्या पता चलता है, पावर पॉलिटिक्स ही है सब कुछ अभी भी, आज भी. हैंस इट इज राइटली सेड दैट रियलिज्म इज टाइमलेस विजडम. वेरी सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल आंसर था ये. ओके, सो इन केस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कॉमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.